नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका रोयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर अपन सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और साथ साथ उनके सॉल्यूशन की भी क्या करेंगे अपन बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन जेट ICR BHU के जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर हुए हैं उनके अंदर जो सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी अपन क्या करेंगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसका तुरंत आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल इन इंडिया। दोस्तों, अगर अपन सबसे पहले बात करें अम्लीय मृदा की बात करें कि अम्लीय मृदा क्या होती है, तो दोस्तों अम्लीय मृदा उन मृदाओं को कहते हैं जिनका पीएच है ये 7 से कम होता है, यानी जिन मृदाओं का पीएच लेस देन 7 होता है उन मृदाओं को अपन अम्लीय मृदा या एसिडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इन मृदाओं के अंदर H+ एंड Al+3 आयन है, इनकी कंसेंट्रेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ऐसी मृदाओं को अपन अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात करें कि इनका क्षेत्रफल कितना है, अगर दोस्तों सबसे पहले अगर अपन भारत के क्षेत्रफल की बात करें यानी इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, तो दोस्तों इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ये कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर, कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। और दोस्तों, इस टोटल इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया में से 90 मिलियन हेक्टेयर, कितना, 90 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है या लैंड है वो क्या है, एसिडिक सोइल है, या अपन कह सकते हैं वो अम्लीय मृदा है। तो दोस्तों, भारत के अंदर अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 90 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर 4th है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर है, राइट है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर अपन बात करें अम्लीय मृदाओं के बनने के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो आर्द्र या अपन कह सकते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से अपन को कौन सी मृदाएं देखने को मिलती है, अम्लीय मृदाएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों, भारत के अंदर जो एसिडिक सोइल का एरिया हुआ कितना है, 90 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट दोस्तों, अपना सेकंड क्वेश्चन है वृहद रंध्रावकाशों का आकार कितना होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्रो और नॉन कैपिलरी पोर्स। दोस्तों, अगर अपन सोइल की बात करें तो सोइल के अंदर दोस्तों अपने देखो बड़े आकार के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और छोटे आकार के पार्टिकल्स ये भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अपनी सोइल है इसके अंदर जो मृदा के कण उपस्थित होते हैं ये बड़े आकार के भी हो सकते हैं, छोटे आकार के भी हो सकते हैं। किसी मृदा में बड़े आकार के कण ज़्यादा होते हैं, किसी सोइल के अंदर छोटे आकार के जो सोइल पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, हाई प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर सोइल के अंदर अगर छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो दोस्तों इन पार्टिकल्स के बीच में देखो ये छोटे छोटे क्या बच जाते हैं, रिक्त स्थान, या अपन कह सकते हैं कुछ पार्ट है वो क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, इसी को अपन किसके नाम से, रंध्रावकाशों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अपने पास क्या है, सोइल है, इसके अंदर अगर छोटे आकार के पार्टिकल्स ज़्यादा है, छोटे कण ज़्यादा है, तो इनके बीच में जो रंध्रावकाश बनेंगे ये भी क्या बनने वाले हैं दोस्तों, छोटे छोटे बनेंगे, क्या बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। लेकिन इसी प्रकार दोस्तों, अगर मृदा के कण है अगर ये बड़े होंगे, क्या होंगे, बड़े आकार के होंगे, तो दोस्तों कणों के बीच में जो रंध्रावकाश उपस्थित होगा ये रंध्रावकाश भी दोस्तों क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, जो बड़े आकार के रंध्रावकाश होते हैं उन्हें वृहद रंध्रावकाश या मैक्रोपोरस्पेस के नाम जानते हैं, और दोस्तों जो छोटे आकार के रंध्रावकाश होते हैं इनको अपन माइक्रोपोरस्पेस या कैपिलरी पोरस्पेस या सूक्ष्म रंध्रावकाश के नाम से जानते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें कि जैसे कि बात करें इस सोइल के अंदर छोटे आकार के हैं, इसमें बड़े आकार के हैं, अब जैसे कि पार्टिकल बड़े हो गए, ठीक है, तो इसके अंदर ये रंध्रावकाश ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो किसको अपन छोटा रंध्रावकाश या किसको अपन बड़ा रंध्रावकाश कहेंगे, इसके लिए दोस्तों एक क्राइटेरिया दिया गया है कि किसको अपन वृहद या मैक्रोपोरस्पेस कहेंगे और किसको सूक्ष्म या माइक्रोपोरस्पेस के नाम से जानेंगे। तो अगर दोस्तों अगर अपन इसकी बात करें तो दोस्तों अगर सोइल के अंदर ये पोर स्पेस प्रेजेंट है, अगर इस पोर स्पेस की साइज है, आकार है, इसका डायमीटर है, अगर ये 0.06 mm से क्या है, ज्यादा है, तो इसको अपन वृहद रंध्रावकाश के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, वृहद रंध्रावकाश के नाम से है। और दोस्तों अगर रंध्रावकाश का आकार 0.06 mm से क्या है, अगर छोटा है, तो ऐसे रंध्रावकाश को अपन किसके नाम से जानते हैं, छोटे रंध्रावकाश के नाम से
जानते हैं। तो दोस्तों अपन ने क्या पूछा है कि वृहद रंध्रावकाश या दोस्तों जो मैक्रोपोर स्पेस है इनकी साइज कितनी होती है। तो दोस्तों इसके अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल और बिल्कुल क्या है राइट है, क्योंकि जो वृहद या मैक्रोपोर स्पेस होता है इनकी साइज है ये 0.06 मिलीमीटर से क्या होती है ज्यादा होती है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ये क्या है राइट है। सेकंड दोस्तों इसके साथ आपको याद रखना है कि मृदा के अंदर जो मैक्रोपोर स्पेस यानी वृहद रंध्रावकाश होता है उनमें हमेशा ही वायु भरी रहती है। क्या भरी रहती है? वायु, यानी वो एयर से फिल्ड होता है। और दोस्तों मृदा के अंदर जो छोटे रंध्रावकाश होते हैं यानी माइक्रोपोर स्पेस या जिनको अपन कैपिलरी पोर स्पेस के नाम जानते हैं वो उसके अंदर पानी भरा रहते हैं यानी वो वाटर से क्या होता है फिल्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने वृहद रंध्रावकाश का आकार कितना हो जाएगा 0.06 mm से मोर देन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन है किस प्रकार के कले में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, विच टाइप ऑफ कले हैव हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जल को धारण करने की क्षमता, जल को होल्ड करना, या अपन सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो पानी है मृदा के अंदर अपन पानी डालते हैं तो उस मृदा द्वारा उस पानी को रोकने की क्षमता है उसी को अपन किसके नाम जानते हैं जल धारण क्षमता के नाम से, कि अपनी मृदा है वो पानी को कितनी देर तक रोक सकती है होल्ड कर सकती है इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है। अगर अपन दोस्तों बात करें यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है कौन कौन से, मोंटमोरलोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट। दोस्तों ये चारों के चारों जो पार्टिकल्स है ये मृदा के क्ले पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन बात करें मृदा के अंदर जितने ज़्यादा छोटे रंध्रावकाश यानी पोर स्पेस जितने ज़्यादा छोटे होंगे उस मृदा की जल धारण क्षमता उतनी क्या आने वाली है ज्यादा होने वाली है। और दोस्तों अगर अपन बात करें मृदा के अंदर छोटे रंध्रावकाश कब होंगे, जब मृदा के जो कण है सोइल पार्टिकल्स है उनका आकार क्या होगा छोटा होगा। तो दोस्तों इन चारों के अंदर अपन ये कह सकते हैं अगर इनमें चारों की साइज, चारों में जिसकी साइज बड़ी होगी उसमें रंध्रावकाश बड़ा होगा, और दोस्तों अगर इनके अंदर जो पार्टिकल साइज छोटी होगी तो रंध्रावकाश क्या होगा छोटा होगा। तो अपन ये कह सकते हैं इनमें चारों में से वो ऑप्शन आपके राइट होने वाला है जिसके अंदर मृदा कणों का आकार सबसे छोटा है, और जिसका आकार छोटा होगा उसके अंदर छोटे यानी अपन कह सकते हैं सूक्ष्म रंध्रावकाश के आने वाले हैं ज्यादा होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इन चारों के साइज की बात करें तो दोस्तों इन चारों के अंदर सबसे बड़ा होता है या जिसकी साइज बड़ी होती है उसकी केओलिनाइट, केओलिनाइट के बाद में साइज होती है दोस्तों इलाइट, इलाइट से छोटा होता है दोस्तों मोंटमोरलोनाइट, और मोंटमोरलोनाइट से छोटा कौन सा होता है दोस्तों वर्मिकुलाइट होता है। कौन सा होता है? वर्मिकुलाइट होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इन चारों के अंदर वर्मिकुलाइट इसका आकार क्या सबसे छोटा है, इसलिए दोस्तों इसके अंदर जो रंध्रावकाश बनेंगे वो सबसे छोटे बनने वाले हैं, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता वो सबसे ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता वो किसकी हो जाएगी, अपने वर्मिकुलाइट की हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आकार छोटा होने के कारण एक तो इसके अंदर जो परसेंटेज पोर स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और साथ साथ बात करें रंध्रावकाश छोटे होने के कारण पानी है उसका क्या नहीं हो पाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है, पानी नीचे आसानी से नहीं जा पाता है। तो दोस्तों ये अपने जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, वर्मिकुलाइट। अगर दोस्तों वर्मिकुलाइट ऑप्शन में नहीं हो उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या करके आ जाना है, मोंटमोरलोनाइट करके आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों लिमोनाइट किसका स्रोत है, लिमोनाइट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, पोटेशियम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि लिमोनाइट है क्या, तो दोस्तों लिमोनाइट की बात करें तो लिमोनाइट दोस्तों एक मिनरल है, खनिज है। क्या है? खनिज है। दोस्तों अगर अपन बात करें लिमोनाइट की बात करें तो दोस्तों लिमोनाइट है इसका फॉर्मेशन हेमेटाइट से होता है। किससे होता है? हेमेटाइट से। दोस्तों हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। और दोस्तों Fe2O3 ये इसका हाइड्रेशन हो जाता है, हेमेटाइट के अंदर जलयोजन हो जाता है जिसके कारण इसके अंदर 3H2O जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका हेमेटाइट है, ये किसके अंदर बदल जाता है, लिमोनाइट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लिमोनाइट में बदल जाता है। तो दोस्तों लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3.3H2O। ठीक है, अब दोस्तों इसके स्रोत की बात करें तो जो इसके अंदर उपस्थित होगा या उसी का क्या होने वाला है, स्रोत होने वाला है। तो दोस्तों चार ऑप्शन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन का भी स्रोत नहीं होने वाला है, नेक्स्ट बात करें फॉस्फोरस का भी नहीं होगा, इसके अंदर आयरन उपस्थित है, मतलब किसका स्रोत हो सकता है, आयरन का स्रोत हो सकता है, पोटेशियम भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जो लिमोनाइट है किसका स्रोत होता है, आयरन का स्रोत होता है, लोहे का क्या होता है, सोर्स होता है।
ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें हेमेटाइट के रंग की बात करें तो हेमेटाइट है ये लाल रंग का होता है, जबकि दोस्तों हेमेटाइट का जल योजन होने से लिमोनाइट का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों लिमोनाइट है इसका कलर है ये कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर उनको ये भी पूछा जाता है यदि किसी सोइल के अंदर हेमेटाइट की मात्रा ज़्यादा है तो सोइल का कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है, रेड कलर की सोइल हो जाती है। और दोस्तों अगर अपने पास सोइल है इसके अंदर अगर दोस्तों लिमोनाइट है ये एक्सेसिव अमाउंट में या अपन कह सकते हैं ज़्यादा उपस्थित है तो उस सोइल का रंग कैसा होने वाला है, येलो रंग होने वाला है, सोइल कैसे हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ की बात करें, तो फिफ्थ है दोस्तों खेती योग्य मृदा की गहराई होती है डेप्थ ऑफ कल्टिवेटेड सोइल इज अप टू। ठीक है, यानी खेती योग्य वाली भूमि, खेती योग्य भूमि किसको कहते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास ये सोइल है, इस सोइल की ऊपरी मृदा जिसके अंदर अपन कृषि कार्य करते समय मशीनरी चलाते हैं, ठीक है, अपन प्लोगिंग वगैरह करते हैं, कल्टीवेशन करते समय जो मशीनरीज वगैरह चलाते हैं, तो सोइल की इस ऊपरी मृदा को अपन किसके नाम जानते हैं, कल्टीवेटेड है सोइल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो अपने पास से कल्टीवेटेड सोइल है या खेती योग्य भूमि है इसकी गहराई है ये 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 0 to 15 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों जो कल्टीवेटेड सोइल है इसकी जो मोटाई है या आप कह सकते हैं गहराई है वो कहाँ तक होती है, 15 सेंटीमीटर तक की होती है। यानी अपने पास खेत है उस खेत के ऊपर ही 15 सेंटीमीटर की जो मृदा है उसको कल्टीवेटेड सोइल या उसको खेती योग्य मृदा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो अपना सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस अपन खेती योग्य भूमि की बात करें, कल्टीवेटेड सोइल की बात करें जिसकी मोटाई 0 से 15 सेंटीमीटर की होती है, इसका दोस्तों एक अन्य नाम है जिसको अपन इंग्लिश के अंदर तो फ्यूरोसलाइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्यूरोसलाइस के नाम से हैं। और अगर दोस्तों हिंदी के अंदर बात करें तो दोस्तों इसी को हिंदी के अंदर अपन किसके नाम जानते हैं, मर्दा खांच के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, मर्दा खांच के नाम से हैं। तो दोस्तों अपने पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो अपने पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खेती योग्य भूमि गहराई कितनी होती है, तो 0 से 15 सेंटीमीटर की होती है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि मर्दा खांच या फ्यूरोसलाइस की मोटाई कितनी होती है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0 से 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि 1 हेक्टेयर के फ्यूरोसलाइस या मर्दा खांच का वजन कितना होता है। यानी अपन कह सकते हैं मर्दा खांच या फ्यूरोसलाइस किसको कहते हैं, खेत की ऊपरी 15 सेंटीमीटर की मर्दा को कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर की ऊपरी 15 सेंटीमीटर या 1 हेक्टेयर की फ्यूरोसलाइस है इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, ये अपन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों फ्यूरोसलाइस का जो वेट है ये होता है अपने 2.25 × 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी अगर दोस्तों अपन लाख में देखें तो अपन कह सकते हैं 22,50,000 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 22,50,000 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के ऊपरी 15 सेंटीमीटर की मर्दा का होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि फ्यूरोसलाइस या मर्दा खांच का जो वजन है वो कितना होता है, 2.25 × 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन 6 क्वेश्चन की बात करें, 6 है सिल्ट कणों का आकार कितना होता है, सिल्ट हैव पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन। यानी दोस्तों जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं इनका आकार कितना होता है। दोस्तों अगर अपन मर्दा की बात करें तो मर्दा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, बड़े आकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक मध्यम आकार के होते हैं, एक कौन से होते हैं, छोटे आकार के पार्टिकल्स होते हैं। दोस्तों सोइल के अंदर जो बड़े आकार के पार्टिकल्स होते हैं इनको अपन सैंड पार्टिकल या बालू कण के नाम से हैं, जो मध्यम आकार के होते हैं इनको अपन सिल्ट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो छोटे आकार के पार्टिकल्स होते हैं इनको अपन कले पार्टिकल्स के नाम से या हिंदी में कहें तो मृतिका कण के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर किसका पूछा है, अपने सिल्ट कणों का आकार पूछा है। दोस्तों अगर अपन किसकी बात करें, अपन IEEE की बात करें, किसकी बात करें, IEEE की बात करें जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस IEEE है, इन्होंने क्या क्या मर्दा कणों को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा है। एक तो दोस्तों होते हैं बड़ी बालू, छोटी बालू, सिल्ट कण और एक कौन सा दोस्तों, कले कण। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन सिल्ट कणों की बात करें तो दोस्तों IEEE ने सिल्ट कणों का जो आकार बताया है वो कितना बताया है, 0.02 से 0.002 mm। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि IEEE के अकॉर्डिंग सिल्ट कणों का आकार है ये 0.02 से 0.002
2 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो वो अपने सिल्ट कणों का आकार है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेवन क्वेश्चन है। लवणीय सारी मृदा होती है, सेलाइन सोडिक सॉइल हैज, ठीक है। अब दोस्तों लवणीय सारी मृदा क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें जिन मृदाओं का पीएच 7 से कम होता है उन मृदाओं को अपन अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों जिन मृदाओं का पीएच 7 से ज्यादा होता है उन मृदाओं को अपन लवण प्रभावित मृदा या सोल्ट अफेक्टेड सॉइल के नाम से जानते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, लवण प्रभावित मृदा या सोल्ट अफेक्टेड सॉइल के नाम जानते हैं। और दोस्तों जो लवण प्रभावित मृदा है इसको तीन भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। कौन कौन सी, एक मृदा होती है जिसको अपन लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं, एक मृदा होती है दोस्तों जिसको अपन सारीय मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं, सारीय। लवणीय को हिंदी के इंग्लिश के अंदर सेलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं, और सारीय को दोस्तों इंग्लिश के अंदर अपन एल्केलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों अपनी जो थर्ड टाइप की जो लवण प्रवाहित मृदाएं होती है उसको अपन कहते हैं लवणीय सारीय मृदा। कौन सी मृदा, लवणीय सारीय मृदा, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर सेलाइन सोडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सेलाइन सोडिक सॉइल या सेलाइन एल्केलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो सारीय मृदा होती है एल्केलाइन सॉइल होती है, इसी का दूसरा नाम होता है सोडिक सॉइल भी कहते हैं। इसको कौन सॉइल कहते हैं, सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सोडियम है ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसको सोडिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कौन सा पूछा है अपने पास, सेलाइन एल्केलाइन या एल्केलाइन का दूसरा नाम क्या है, सोडिक, यानी सेलाइन सोडिक सॉइल की पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेलाइन सोडिक सॉइल है। तो दोस्तों अगर अपन लवण प्रवाहित मृदाओं का वर्गीकरण करते हैं उस समय इन लवण प्रवाहित मृदाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इसके लिए तीन पैरामीटर्स लिए गए हैं, कितने पैरामीटर्स लिए गए हैं, तीन पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं, एक तो है ईसी, ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। एक होता है ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। और एक होता है दोस्तों अपना पीएच। तो दोस्तों अगर आप लवणीय सारीय मृदाओं की बात करें तो लवणीय सारीय मृदाएं उनका जो ईसी है ये मोर देन यानी 4 डेसिमल पर मीटर से ज्यादा होता है। ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ये मोर देन 15% होता है, और इनका पीएच है वो भी क्या होता है 8.5 से ज्यादा होता है। तो दोस्तों इनके अंदर अपना वो ऑप्शन राइट होने वाला है जिसका पीएच, ईसी और ईएसपी तीनों ही क्या होते हैं, मोर देन होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो ऐसा है जिसके अंदर ईसी, ईएसपी और पीएच तीनों ही क्या है, ज्यादा है। तो दोस्तों लवणीय सारीय मृदाएं उन मृदाओं को कहते हैं जिनका ईसी मोर देन 4 डेसिमल पर मीटर, ईएसपी मोर देन 15 और पीएच मोर देन 8.5 होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व होता है, बल्क डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल इज। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें स्थूल घनत्व की, बात करें बल्क डेंसिटी की, बात करें दोस्तों बल्क डेंसिटी को सोल्ट के अंदर बीडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्थूल घनत्व होता क्या है। दोस्तों अपन क्या करते हैं, कुछ मृदा का आयतन लेते हैं, मृदा की कुछ मात्रा लेते हैं, कुछ वॉल्यूम लेते हैं, उस वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं अपन, उसका वेट कर लेते हैं, वजन देख लेते हैं। तो दोस्तों अपने पास जो मृदा लिए उस मृदा का कितना भार आया है, और इस भार को अपन किससे डिवाइड कर देते हैं, उसके आयतन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी वेट को अगर अपन वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी वैल्यू आती है इस वैल्यू को अपन किसके नाम से जानते हैं, स्थूल घनत्व के नाम से या बीडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जो अपने पास कुछ मर्दा लिए उसका भार कितना है और उसका अपने कितना आयतन लिया है, ठीक है। तो भार में आयतन का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्थूल घनत्व निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों अगर अपन एक सामान्य मर्दा की बात करें, सामान्य मर्दा का मतलब अपन किसी भी स्पेसिफिक टाइप की मर्दा का बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसी निश्चित मर्दा की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ब्लूई मर्दा, सेल्ट मर्दा, कले मर्दा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो, यानी अपन एक एवरेज सॉइल की बात कर रहे हैं, औसत मर्दा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक सामान्य मर्दा है, औसत मर्दा है, उसकी जो स्थूल घनत्व होता है ये होता है 1.33 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 1.33 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी दोस्तों एक सेकेंड यूनिट और होती है, वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आपको अगर ये दूसरी यूनिट मिले तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यूनिट सेम ही होती है, ठीक है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं ये मर्दा का स्थूल घनत्व कितना होता है, 1.33
मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें पानी के साथ बहकर जमा हुए पदार्थ को कहते हैं मेटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई वॉटर आर कॉल्ड एज। यानी दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं अपने पास कोई चट्टान है, क्या है ये चट्टान है, ये अपने पास कोई रॉक्स है, ये रॉक्स टूटेगी, ठीक है टूटेगी या अपन का स्पेस की वेदरिंग होगी तो इसके क्या स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये चट्टान है, इसके जो टुकड़े हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहां से हैं, यानी वन प्लेस टू अदर प्लेस। वो किस किस के द्वारा जा सकते हैं, एक तो पानी के साथ बहकर जा सकते हैं, किसके साथ बहकर जा सकते हैं, पानी के साथ जा सकते हैं, एक किसके साथ जा सकते हैं दोस्तों वायु के साथ जा सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं वायु के साथ जा सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जा सकते हैं, किसके कारण जा सकते हैं गुरुत्व के कारण जा सकते हैं, ठीक है यानी ग्रेविटी के कारण जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पानी के साथ बहकर जा सकता है, वायु के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं पार्टिकल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है पानी के साथ, यानी ये चट्टान है, इस चट्टान के कोई टुकड़े हैं, ये टुकड़े पानी के साथ बहकर, किसके साथ बहकर पानी के साथ बहकर एक स्थान से कौन चल जाते हैं दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, तो इन पार्टिकल्स को यानी इन पदार्थ को अपन किसके नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कोई भी पदार्थ है अगर पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इसको अपन एल्यूवियल के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं एल्यूवियल, या इंग्लिश में कहते हैं इसको एल्यूवियम के नाम जानते हैं। तो अपना फर्स्ट आंसर है, ये फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी पानी के साथ बहकर जमा हुए पदार्थों को क्या कहते हैं एल्यूवियल कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों तीन ऑप्शन और रह गए, इनकी भी साथ ही अपन क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास दोस्तों कोलुवियल या कोलुवियम, कोलुवियल कौन से पदार्थों को कहते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पर चट्टान के ऊपर क्या है पत्थर है, इसके टुकड़े हो गए हैं, ठीक है अब जैसे ये पत्थर के टुकड़े होंगे यहाँ से तो पत्थर है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे नीचे आ जाएंगे और यहाँ आकर क्या हो जाएंगे जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ आकर एकत्रित हुए हैं तो इन पदार्थों को अपन किसके नाम जानते हैं कोलुवियम के नाम से जानते हैं, कोलुवियल या कोलुवियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन लोएस या एओलियन की बात करते हैं, ठीक है अब दोस्तों अगर वायु के द्वारा, किसके द्वारा वायु के कारण विंड के द्वारा पार्टिकल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनको किसके नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर वायु के कारण कोई भी पार्टिकल अगर एक स्थान से कहां जा रहा है दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है अगर दोस्तों वायु के साथ जो उड़कर जाने वाला जो पदार्थ है या जो कण है अगर ये कौन सा है सिल्ट कण है, कौन सा कण है सिल्ट कण है, तो इसको अपन किसके नाम से जानेंगे अपन लोएस के नाम से हैं। और दोस्तों वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है अगर ये सैंड पार्टिकल है ब्लूई कण है तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं एओलियन के नाम से हैं जानते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर पानी के साथ कोई पदार्थ बहकर जाकर जमा होता है तो उसको एल्यूवियल के नाम से हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई पदार्थ है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होता है तो उस पदार्थ को अपन कोलुवियल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर वायु के द्वारा कोई भी कण अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो अगर दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट होने वाला कण अगर बालू कण है तो उस पदार्थ को अपन एओलियन कहेंगे, और अगर दोस्तों सिल्ट कण है तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं लोएस के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं लोएस के नाम से, इसकी दोस्तों स्पेलिंग है LOES, ठीक है तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं लोएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरी काली मृदा कौन से गण में आती है, वॉट इज द सॉइल ऑर्डर ऑफ मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल, यानी काली मृदा होती है उसको कौन से मृदा गण के अंदर रखा गया है। अगर दोस्तों मृदा वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों मृदा वर्गीकरण के अंदर 12 गण आते हैं, कितने गण आते हैं भाई 12 गण आते हैं। ठीक है, 12 गणों में से चार गणों के नाम अपने सामने ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, तो इन चारों ऑप्शन के दोस्तों एक एक करके अपन क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने पास ऑप्शन है इंटीसोल गण है, कौन सा गण है इंटीसोल गण या इंटीसोल ऑर्डर है। दोस्तों इंटीसोल जो गण है या ऑर्डर है इसके अंदर वो मर्दा आती है जिसका अभी भी फॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है अभी भी फॉर्मेशन हुआ है, या अपन कह सकते हैं जिसका फॉर्मेशन रिसेंटली हुआ है उस मर्दा को कौन से मर्दा गण में रखते हैं अपने इंटीसोल में रखते हैं। ठीक है, जो मर्दा अभी कुछ समय पहले बनी है उसको इंटीसोल में रखते हैं, और दोस्तों इस प्रकार की मर्दा इसका फॉर्मेशन अभी हुआ होगा तो इसके अंदर किसी प्रकार के सेंसर है या मर्दा प्रोफाइल है, इसका विकास या डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसके अंदर मर्दा परिच्छेदिका है या मर्दा प्रोफाइल है, ठीक है सोइल प्रोफाइल इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसी मर्दा को अपन इंटीसोल में रखते हैं। और दोस्तों अगर इसी मर्दा के अंदर
थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है इसके अंदर, अलग अलग होरिजन्स है, संस्तर है, अगर इनका डेवलपमेंट हो जाता है, बन जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस मृदा को अपन इंसेप्टिसोल में रखते हैं। कौन से सोल ऑर्डर में रखते हैं? इंसेप्टिसोल में। नेक्स्ट दोस्तों वर्टिसोल की बात करें तो वर्टिसोल के अंदर दोस्तों वो मृदा आती है जिसके अंदर फैलने व सिकुड़ने का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी जिस मृदा के अंदर हाइएस्ट होती है या ज़्यादा पाई जाती है, उस मृदा को अपन किसके अंदर रखते हैं? वर्टिसोल सोइल ऑर्डर के अंदर रखते हैं। और दोस्तों अगर अपन सोइल्स की बात करें तो दोस्तों काली मृदा या ब्लैक सोइल ऐसी सोइल होती है जिसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी वर्टिसोल है इसके अंदर कौन सी सोइल आ जाएगी अपने? ब्लैक सोइल आती है। कौन सोइल आती है? ब्लैक सोइल। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन एरिडी सोइल की बात करें तो एरिडी सोइल उन रीजन्स की मृदाओं कहते हैं जो एरिड रीजन होते हैं, ठीक है, यानी शुष्क क्षेत्रों की मृदाएं होती है। शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं को अपन किसके नाम जानते हैं? डेजर्ट सोइल के नाम से जानते हैं, या अपन कह सकते हैं मरुस्थलीय मृदा है उसको अपन किसके अंदर रखते हैं? एरिडी सोइल के अंदर। तो दोस्तों रेतीली मृदा है या डेजर्ट सोइल है या अपने कौन सी मरुस्थलीय मृदा है उसको अपन किसके अंदर रखते हैं? एरिडी सोइल के अंदर रखते हैं। चारों ऑप्शन देख लेते हैं, अपने देख लिए, अब अपन वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। गहरी काली मृदा यानी जो डीप ब्लैक सोइल है उसका और सोइल ऑर्डर कौन सा है? तो दोस्तों जो डीप ब्लैक सोइल है उसका ऑर्डर कौन सा है? वर्टिसोल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? वर्टिसोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अपना 11वां क्वेश्चन है, मृदा पीएच बढ़ने के साथ साथ कले कणों पर ऋणावेश बढ़ता है घटता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता कह नहीं सकते? विथ इंक्रीज इन सोइल पीएच नेगेटिव चार्ज ऑफ क्ले पार्टिकल्स विल बी, यानी दोस्तों पीएच बढ़ने के साथ साथ मृदा कणों के ऊपर यानी मृदा जो क्ले पार्टिकल्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर वो सोइल पार्टिकल्स की बात करें, सोइल पार्टिकल्स में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन क्ले पार्टिकल या अपन मृतिका कणों के नाम जानते हैं, इनकी सतह के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइनस आवेश पाया जाता है। और दोस्तों क्ले कणों की सतहों के ऊपर जो माइनस आवेश होते हैं इसके दो रीजन होते हैं, यानी दो ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण मुख्यतः क्ले कणों की सतह के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है। फर्स्ट कारण होता है खुले क्रिस्टल किनारे, ओपन क्रिस्टल एज। और दोस्तों सेकेंड रीजन होता है समाकर्तिक प्रतिस्थापन। कौन सा होता है? समाकर्तिक प्रतिस्थापन, जिसको अपन आइसोमोर्फस सब इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आइसोमोर्फस सब इंस्टीट्यूशन। दोस्तों अगर अपन खुले क्रिस्टल किनारे या ओपन क्रिस्टल एज की बात करें तो इसके कारण जो माइनस आवेश होता है ये पीएच डिपेंडेंट होता है, यानी पीएच के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। जबकि दोस्तों समाकर्तिक प्रतिस्थापन के कारण जो माइनस आवेश उपस्थित होता है वो पीएच पर निर्भर है नहीं करता है। यानी दोस्तों अब इस अपने क्वेश्चन है इसके आंसर को कौन अफेक्ट करेगा? खुले क्रिस्टल किनारों के कारण जो माइनस आवेश है ये क्या करेगा? अपने माइनस आवेश को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों जब मृदा पीएच बढ़ता है, ठीक है, तो मृदा पीएच बढ़ने के साथ साथ जो खुले क्रिस्टल किनारे का माइनस आवेश है ये भी क्या होता है? पीएच बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पीएच बढ़ता है तो मृदा के जो क्ले कण है उनके और माइनस आवेश है वो बढ़ता है। और दोस्तों अगर पीएच है ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो दोस्तों जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है, तो पीएच बढ़ने के साथ साथ दोस्तों अपना यहाँ पे क्या है? पीएच बढ़ेगा तो पीएच बढ़ने के साथ साथ माइनस आवेश वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोस्तों अपना फर्स्ट आंसर ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों खुले क्रिस्टल किनारों के कारण यानी ओपन क्रिस्टल एज और आइसोमोर्फस ये सब इंस्टीट्यूशन है ये क्या होता है, किस प्रकार इनके ऊपर माइनस चार्ज उपस्थित होता है इसके वीडियो है दोस्तों हमने हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ऐप है उसके ऊपर हमने अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों अभी आप प्ले स्टोर पर जाकर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर के नाम से ऐप है उसको डाउनलोड करें और हमारे जो वीडियोज़ है उनको आप वहाँ पे देख सकते हैं, ताकि दोस्तों हमारे क्वेश्चन है ये आपको और ज़्यादा क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, आसानी से आपको क्या आ जाएंगे? समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों अगर 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन है, निम्न में से किस में बफरिंग कैपेसिटी अधिक होती है? बफरिंग कैपेसिटी इज हाई फॉर, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले बफरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि दोस्तों बफरिंग कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है। दोस्तों बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है अपने पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलयन है यानी कोई भी सोल्यूशन है या कोई भी अपने पास सोइल है, उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर अगर अपन कोई भी बेस या एसिड यानी कुछ मात्रा में अम्ल या सार ऐड करते हैं और उसमें
उसके पीएच में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अम्लीय सार डालने उसका पीएच नहीं तो बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। तो सोलिक एसिड प्रॉपर्टीज को या उस सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज को अपन किसके नाम जानते हैं, बफरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हैं, बफरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पूरी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो क्या करती है कि पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, पीएच चेंजेस का क्या करती है वो रेजिस्टेंट करती है। इसको अपन किसके नाम से, बफरिंग कैपेसिटी के नाम से है। और दोस्तों अगर अपन बफरिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों सोइल की बफरिंग कैपेसिटी है ये सीसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके होती है, बफरिंग कैपेसिटी है ये जो सीसी है इसके डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सीसी की फुल फॉर्म होती है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी चारों ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन अपना सही होने वाला है जिसकी सीसी यानी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन के अंदर सैंड सिल्ट कले और ह्यूमस, इन चारों ऑप्शन के अंदर दोस्तों जो सबसे ज्यादा सीसी होती है ये ह्यूमस की होती है। और दोस्तों जो ह्यूमस की सीसी होती है ये होती है 150 यानी 150 to 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम, ठीक है ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सीसी होती है ह्यूमस की होती है, इसका रीज़न ये है कि ह्यूमस का जो सरफेस एरिया सतह क्षेत्रफल वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों सीसी सबसे ज़्यादा चारों ऑप्शन में किसकी है, ह्यूमस की है। तो दोस्तों अपना बफरिंग कैपेसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, ह्यूमस की होने वाली है। तो दोस्तों बफरिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमस की होती है। सेकेंड दोस्तों आपको याद रखना है कि मृदा के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे कण पाए जाते हैं, उन सब में जो सबसे ज़्यादा जो बफरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, इसको अपन हिंदी के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता या बफरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अपने ह्यूमस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में सर्वाधिक कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट इन इज इन लार्ज क्वांटिटी इन सॉइल, यानी सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है। दोस्तों अगर वो सामान्यतः बात करें तो मृदा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर दोस्तों अगर अपन एक ग्राम सोइल की बात करें, किसकी बात करें, मात्र एक ग्राम सोइल की बात करें, इतनी सी मृदा की बात करें तो उस मृदा के अंदर 10 करोड़ तक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी 10 करोड़ तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब 10 करोड़ तक प्रेजेंट होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव है वो क्या होता है इसके अंदर उपस्थित होता है। तो दोस्तों मृदा के अंदर सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो 90% है ये बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। 9% है ये एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, कौन होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, और बाकी 1% के अंदर प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी आदि क्या होते हैं दोस्तों, यानी अन्य सूक्ष्म जीव वो उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं संख्या के आधार पर, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के बाद में एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज के बाद में फंजाई पाए जाते हैं, और फंजाई के बाद में सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गी उपस्थित होती है, ठीक है। तो अगर अपन उनको संख्या के आधार पर नंबर बेसिस पे पूछें तो सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन उनको वेट बेसिस पूछे, भार के आधार पर पूछे, तो सोइल के अंदर सबसे ज्यादा फंजाई पाई जाती है, उसके बाद में एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये अपने पास कौन सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, संख्या के आधार पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। और दोस्तों अगर उनको वजन के आधार पे कि मृदा में सबसे ज़्यादा वजन के आधार पे कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, फंजाई पाई जाती है, कवक पाई जाती है, फफूंद पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना 13वां क्वेश्चन है, ये भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अपना, लवणीय मृदा को कहते हैं सेलाइन सोइल इज आल्सो नोन एज, यानी जो लवणीय मृदा है सेलाइन सोइल है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक का नाम था हिलगार्ड और एक का नाम था गेद्रोइस। दोस्तों इन्होंने जो लवण प्रवाहित मृदा है, लवण प्रवाहित मृदा है कौन कौन से, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात की थी, लवणीय मृदा, सारीय मृदा और लवणीय सारीय मृदा, यानी सेलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल एंड सेलाइन एल्कलाइन सोइल, इन तीनों ही मृदाओं को अलग अलग नाम दिया गया था। तो दोस्तों उनको पूछा यहाँ पे सेलाइन सोइल,
ठीक है। तो दोस्तों सेलाइन सोइल लवणीय मृदा, इसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन लवण है ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब लवणीय मृदाएं क्या हो जाती है, सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, उस कंडीशन में जो सेलाइन सोइल है उसकी अपर सरफेस है ये वाइट कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। इसलिए दोस्तों जो सेलाइन सोइल लवणीय मृदा है इनको हिलगार्ड साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, वाइट एल्काली सोइल का, या अपन कह सकते हैं सफेद ऊसर मृदा का। यानी अपने लिए दोस्तों सेलाइन मृदा के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट अगर दोस्तों ब्लैक एल्काली सोइल की बात करें या सोलोनेट्स की बात करें, तो दोस्तों ये ब्लैक एल्काली सोइल यानी काली ऊसर और दोस्तों सोलोनेट्स है, ये कौन सी सोइल के अदर नेम है, दोस्तों अपनी एल्केलाइन सोइल है। कौन सोइल, एल्केलाइन सोइल, जिसको अपन किसके नाम जानते हैं, सारीय मृदा के नाम जानते हैं, सारीय मृदा के अन्य नाम है, ठीक है। तो दोस्तों अपने पास लवणीय मृदा का अन्य नाम क्या हो गया, सफेद ऊसर या वाइट एल्काली सोइल, ठीक है, जो किसने दिया था, हिलगार्ड ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि किसी मृदा की बीडी 2.6 एंड बीडी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इस मृदा में रंध्र अवकाश प्रतिशत होगा, ठीक है। हाउ मच इज द पोर स्पेस परसेंटेज इफ द सोइल हैव सोइल If the soil particle density is 2.6 and bulk density is 1.3 gram per centimeter cube, यानी अपन को क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे सोइल की जो BD है, बल्क डेंसिटी है, ये कितनी दे रखी है, 1.3 दे रखी है, और दोस्तों PD है ये अपन को कितनी दे रखी है, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। BD की फुल फॉर्म होती है बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व है, और PD की फुल फॉर्म होती है पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व है, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन पार्टिकल डेंसिटी बीडी दे रखी है तो इसके द्वारा दोस्तों मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश है उसको अपन निकाल सकते हैं। दोस्तों सोइल के अंदर जो पोर स्पेस परसेंटेज होते हैं, तो दोस्तों पोर स्पेस परसेंटेज है इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 100 - BD/PD × 100, यानी 100 - BD/PD × 100। इसके द्वारा दोस्तों इस सोइल के अंदर जो टोटल पोर स्पेस परसेंटेज है उसको क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट है कर सकते हैं। फॉर्मूले में दोस्तों अपन को बीडी चाहिए और पीडी चाहिए, ठीक है, और अपने क्वेश्चन के अंदर बीडी और पीडी दोनों दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पोर स्पेस परसेंटेज उनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 100 था तो 100 का 100 लिख दिया, माइनस लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो दोस्तों माइनस लगा दिया तो बीडी कितनी है इसकी, बीडी कितनी दे रखी है, 1.3 दे रखी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों पीडी की बात करें, पीडी कितनी दे रखी है, 2.6 दे रखी है, गुणा किससे कर दिया अपन ने, 100 से कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो ये आपस में 1.3 और 2.6 आपस में कट रहे हैं, तो दोस्तों ये 2.6 है, ये 1.3 से कितनी बार कट गया है, 2 बार कट गया है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया है, 100 - 1/2 × 100। अब 100 है ये 2 से काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 50, यानी अपन कह सकते हैं 100 - 50। तो दोस्तों 100 में से 50 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, है 50%। तो दोस्तों अपनी इस मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश प्रतिशत है वो कितने हो जाएंगे, 50%। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड है, इसके अंदर अपने कितना दे रखा है, 50%, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों अपने क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अपने इस फॉर्मूले के द्वारा यानी 100 - BD/PD × 100, इसके द्वारा अपन दोस्तों टोटल पोर स्पेस परसेंटेज इनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर, ठीक है। अब दोस्तों सबसे विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण का मतलब होता है कि दोस्तों अपनी सोइल के अंदर जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रेट। दोस्तों इस नाइट्रेट का किसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड, किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड, या दोस्तों अपना जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन गैस है, उसमें कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। अब दोस्तों विनाइट्रीकरण प्रक्रिया अपने खेत के अंदर या मृदा के अंदर तब होती है जब खेत है इसके अंदर क्या होती है, एवाईवी कंडीशन आ जाती है। और दोस्तों एवाईवी यानी एनएरोबिक कंडीशन कब आती है, जब अपना खेत है पानी से भर जाता है, किससे भर जाता है, पानी से भर जाता है। तो दोस्तों अपना खेत अगर ये पानी से भर गया है तो दोस्तों ये पानी से भर जाएगा तो मृदा के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है,
कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मर्दा के अंदर एवाइवीय कंडीशन एंड एरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण एवाइवीय जीवाणु, कौन से जीवाणु, एवाइवीय जीवाणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और वो नाइट्रेट को नाइट्रस ऑक्साइड या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों याद रखना है विनाइट्रीकरण वाले जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एक तो देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तो यही क्लियर हो रहा है कि विनाइट्रीफिकेशन है, डीनाइट्रीफिकेशन है, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमको यही पूछ लिया जाता है कि विनाइट्रीकरण है ये अपने लिए यानी फार्मर्स के लिए ये बेनिफिशियल होती है, हार्मफुल होती है, तो दोस्तों अगर विनाइट्रीकरण की बात करें तो पौधे हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, एनवायरमेंट में चल जाएगा, वायुमंडल में चल जाएगा, जिसके कारण मृदा के अंदर नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत की मर्दाओं के अंदर नाइट्रोजन की पहले से कमी है, और अगर विनाइट्रीकरण प्रक्रिया हो जाएगी तो और ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि डीनाइट्रीफिकेशन विनाइट्रीकरण प्रक्रिया है ये हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किसको मर्दा का मास कहते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सॉइल। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन दे रखे अपने, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एक अपने नन ऑफ दीज वाला है, यानी अपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बड़े आकार के पार्टिकल है उनको सैंड कहते हैं, मीडियम आकार के सिल्ट और छोटे आकार के कण है इसको क्या कहते हैं, कले पार्टिकल्स कहते हैं। तो दोस्तों जो मर्दा का मास या प्लेस ऑफ सॉइल है ये कले पार्टिकल्स को कहते हैं, किसको कहते हैं, कले पार्टिकल्स को कहते हैं, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी मृदा उर्वरकता के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है, या फसल उत्पादन के लिए या पौधों की ग्रोथ के लिए जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कले पार्टिकल्स होता है। इसलिए मृदा का मास है, प्लेस ऑफ सॉइल है, ये किसको कहते हैं, अपने कले पार्टिकल्स को कहते हैं। जबकि दोस्तों सॉइल के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स है और जो ये सिल्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इन पार्टिकल को दोस्तों मृदा का स्केलेटन के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, स्केलेटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्केलेटन या अपन कह सकते हैं मृदा का कंकाल है ये, अपन किसको कहते हैं, सैंड और सिल्ट को कहते हैं, जबकि प्लेस ऑफ सॉइल है ये अपन किसको कहते हैं, कले पार्टिकल्स को या कले कणों को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें, यदि किसी मृदा में उपलब्ध पोटेशियम 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर है तो मृदा में पोटेशियम होगा, सोइल कंटेनिंग 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर अवेलेबल पोटेशियम इज कैटेगराइज्ड एज। ठीक है, जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एग्जाम यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी मृदा के अंदर 150 किलोग्राम पोटेशियम है तो उस मृदा के अंदर पोटेशियम कम है, मध्यम है या ज्यादा है। इसके लिए दोस्तों क्या किया गया है, पोटेशियम वगैरह के लिए क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। यदि दोस्तों अगर किसी मृदा के अंदर पोटेशियम है ये 110 किलोग्राम 110 किलोग्राम पर हेक्टेयर से क्या है ज़्यादा सॉरी कम होता है तो उस मृदा के अंदर पोटेशियम है दोस्तों वो क्या माना जाता है, कम माना जाता है, कि आपकी मृदा में पोटेशियम कम है, आपको पोटासिक उर्वरक डालने की क्या है आवश्यक है। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें, पोटेशियम अगर 110 किलोग्राम से 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर है तो दोस्तों पोटेशियम है ये मृदा में मध्यम होता है, और दोस्तों अगर 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर से ज़्यादा है तो दोस्तों मृदा के अंदर पोटेशियम की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये कैटेगराइज किसके लिए, पोटेशियम के लिए है। अपना कितना दिया गया है, 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो दोस्तों 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर है ये मध्यम वाले में आ रहा है, यानी इस मृदा के अंदर पोटेशियम की मात्रा है वो क्या है दोस्तों, मध्यम है, यानी किस में आएगा, ये पोटेशियम है। कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा, मीडियम के अंदर किया जाएगा, सोइल के अंदर मीडियम है ये, मध्यम मात्रा के अंदर मीडियम क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा प्रोफाइल में समांतर परतें कहलाती है। मृदा प्रोफाइल क्या होती है, अपने पास सोइल है या मृदा है, इस मृदा के अंदर अगर अपन खड़ा कटान लगाते हैं तो खड़ा कटान लगाने के बाद में दोस्तों मृदा के अंदर अपन को अलग अलग कलर्स की क्या दिखाई देती है, परतें दिखाई देती है, और दोस्तों इन सभी परतों को एक साथ अपन मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सोइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और दोस्तों इस सोइल प्रोफाइल में समांतर परतें, यानी ये जो अपन को परतें दिखाई दे रही है, इन परतों को अपन किसके नाम जानते हैं? तो दोस्तों मृदा प्रक्षेदिका या सोइल प्रोफाइल में ये जो परतें, अलग अलग परतें दिखाई देती है, इन परतों को दोस्तों अपन किसके नाम से जानते हैं? होरिजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? होरिजन के नाम से। तो आपको याद रखना है मृदा प्रक्षेदिका को क्या कहते हैं, सारे के सारे संयंत्रों को मिलाकर तो अपन क्या कहते हैं? मृदा प्रक्षेदिका। और मृदा प्रक्षेदिका में जो परतें दिखाई देती है, इन परतों को अपन किसके नाम जानते हैं? मृदा संयंत्र या सोइल होरिजन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आइए अपन अपने नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है उसकी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। दोस्तों अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी है? विच सोइल स्ट्रक्चर इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी फसल उत्पादन के लिए या कृषि की दृष्टि से मृदा संरचना कौन सी अच्छी है? मृदा संरचना होती क्या है? दोस्तों मृदा के अंदर अलग अलग जो एक कण उपस्थित होते हैं, ये कण आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किसी स्पेसिफिक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी को अपने किसके नाम जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन मृदा संरचना में से अगर ब्लॉकी की बात करें तो मृदा कणाकार है, मृदा संरचना इस प्रकार की होती है, यानी ब्लॉकी होती है, यानी क्यूबोइडल होती है। ठीक है, ग्रेनुलर की बात करें तो गोलाकार होती है, करंबी भी क्या होती है? गोलाकार होती है। प्लेटी के अंदर मृदा संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो अगर दोस्तों अपन एग्रीकल्चर के व्यू से देखें तो दोस्तों जो अपने स्फेरॉइडल गोलाकार मृदा संरचना है वो सबसे बेस्ट होती है। और इनमें से दोस्तों ये अपनी ग्रेनुलर है, इसके अंदर किसी प्रकार के पोर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों करंबी है, इसमें सोइल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? पोर स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये करंबी सोइल स्ट्रक्चर है, ये फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार की मृदा के अंदर छोटे और बड़े यानी मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस सेम अमाउंट के अंदर लगभग इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये मृदा संरचना या सोइल स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है? मोस्ट डिजायरेबल होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके अंदर ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? करंबी हो जाएगा। अगर आपको करंबी ऑप्शन नहीं मिले तो आपको कौन सा करके आना है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर वो क्या करके आना है? राइट करके आना है। तो दोस्तों ये कुछ सोइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है उनकी क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों आप वीडियो को क्या करें? लाइक करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।